सब धर्मों के अंदर, सबके सब पंथों के अंदर, सबके सब मजहबों के अंदर एक ही उसका वर्णन किया गया है। लेकिन संसारिक विचार बुद्धि के कारण से, विवेक बुद्धि पूर्ण न होने के कारण से हम उसको समझ नहीं पाते और फंसते चले जाते हैं। क्योंकि जहाँ जो संत पहुँचे, जहाँ जो सिद्ध पहुँचे, जहाँ जिसने जितनी मेहनत की, जहाँ जिसने चढ़ाई की, उसने उतना ही वर्णन कर दिए किसी भी पंथ के हो चाहे। क्योंकि जिसकी जितनी चढ़ाई होती है उसका उतना ही वर्णन हो पाता है। वो अपनी बुद्धि विवेक ज्ञान के अनुसार पुस्तकों में वर्णन करता रहता है, लेकिन पुस्तकों से परमात्मा प्राप्त नहीं होता। मुझे सब धर्मों के लोग मिलते हैं, मैं बहुत विद्वानों से भी मिला हूँ, जिनको गीता भी कंठस्थ याद थी उनसे भी मिला हूँ, उनसे मैंने प्रश्न किया क्या आपको गीता पूरी तरह से याद हो गई। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, आप किसी भी, आप एक श्लोक बोलिए, मैं पेज नंबर के साथ बता देता हूँ। कितने विद्वान होंगे वो लोग जिनको इस प्रकार से कंठस्थ याद हो गया सब कुछ। मैंने कहा क्या आपने जिसने गीता बोली उसको प्राप्त कर लिया? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा ध्यान किया? वो तो नहीं हो पाया। मैंने कहा आपने प्राप्त किया उस रास्ते के ऊपर चले? उन्होंने कहा मेरा तो बस यही रास्ता है, सुबह से शाम तक हर रोज एक एक अध्याय का पाठ करता रहता हूँ। मैंने कहा इससे कल्याण नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप चाहे हर रोज अध्याय का पाठ कीजिए, ये हो सकता आप विद्वान हो जाए, आपकी समझ बुद्धि बढ़ जाए, लेकिन परमात्मा के सुमरण के बिना वहाँ तक नहीं पहुँचा जा सकता। इसी प्रकार से मुझे कुरानों के पाठ करने वाले भी मिले, उन्होंने कहा एक एक बिल्कुल कलमे याद है मुझे, हदीस याद है, सब कुछ याद है, कंठस्थ कर लिया। जब हम बच्चे थे तभी से जा रहे थे मदरसों के अंदर, तभी सीख गए थे, जो बोलोगे वही सुना देंगे। मैंने कहा क्या आपने उस परमपिता को याद करने का कोई तरीका तलाश किया? क्या आपने वहाँ पर पहुँचने की कोशिश की? क्या आपने उस दिव्य नूर की झलक देखी? क्या आपने उस दिव्य नूर को पाया? क्या आपने उसको का दीदार किया? उन्होंने कहा नहीं, ये तो नहीं हो पाया। इसी प्रकार से ग्रंथ साहिब के पाठी को लीजिए, आप पूरी उम्र पाठ करते रहते हैं, पाठ करते रहते हैं, बोलते रहते, एक उठेगा दूसरा शुरू हो जाएगा, दूसरा उठेगा तीसरा शुरू हो जाएगा, और लेकिन आप देखिए क्या वहाँ परमात्मा प्राप्त हो गए? क्या उनको परमपिता के दर्शन हो गए? क्या वो उस सच्चे बादशाह तक पहुँच पाए? ये रास्ता नहीं है, ये बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए, विवेक के लिए ठीक है, सीमित है, लेकिन उस परमात्मा के लिए अगर आप लाखों पुस्तकें भी पढ़ ले, चारों वेदों को पढ़ ले, सब धर्म ग्रंथों को याद कर ले, हर रोज पाठ करते रहें, उससे ज़्यादा श्रेष्ठ अगर आप बैठ करके अगर 10 मिनट भी उसका सुमरण करेंगे तो वो श्रेष्ठ रहेगा। क्योंकि नाम के बिना, उसका गुणगान के बिना, उसकी प्राप्ति के बिना, उसके ध्यान के बिना, उसके सुमरण के बिना उस परमपिता परमेश्वर तक पहुंचना लगभग असंभव होता है। क्योंकि बिना रास्ते के मंजिल कितनी भी पास हो पहुंचा नहीं जा सकता। सागर को आप ऐसे ही पार नहीं कर सकते। अगर आप सागर को तैर कर पार करने की कोशिश करोगे तो डूब जाओगे। किसी जानवर का प्रयास करोगे बैठ करके गधे घोड़े के ऊपर तो डूब जाओगे, नहीं पार हो पाओगे, वो भी चला जाएगा, आप भी चले जाओगे। लेकिन अगर आप जहाज के अंदर बैठ करके चढ़ करके, ना कोई ताकत लगेगी, ना कुछ भाग दौड़ करनी पड़ेगी और सागर पार हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप इन जो उस परमात्मा तक रास्ता नहीं जानते, जो नहीं पहुँचे, जो उस परमपिता तक आपको नहीं ले जा सकते, जो सीमित सा जिनका ज्ञान है, सीमित सी सिद्धियाँ हैं संसार के अंदर, छोटी मोटी सिद्धियाँ की हैं, अगर आप उनके ऊपर बैठोगे तो समुंदर के अंदर
घोड़े के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति की तरह से ही डूब जाओगे, लेकिन जो पूर्ण गुरु हैं वो जहाज के समान होते हैं। अगर जहाज के ऊपर आप चढ़ गए, बिना प्रयत्न के ही उस परमात्मा तक पहुंच जाओगे, बिना प्रयास के ही, बिना मेहनत किए, बिना कुछ भी किए। लेकिन हम लोग मेहनत करने से डरते हैं, शरीर का सुख चाहते हैं, मन का सुख चाहते हैं, बोलते तो हैं मानसिक शांति हो जाए, लेकिन मानसिक शांति नहीं चाहिए, बस केवल मात्र कुछ अक्षण के लिए शारीरिक सुख चाहिए। शारीरिक सुख ही आपको सब कुछ लगने लगता है, शरीर के सुख ही आपको श्रेष्ठ लगने लगते हैं, शरीर के सुखों में ही आप फंस जाते हो, शरीर के अंदर ही आप अटक करके रह जाते हो, उस पूर्ण पुरुष परमात्मा तक आप नहीं पहुंच पाते। क्योंकि शरीर के अंदर जो फंस गए, जितने भी काम के सुख हैं आपको श्रेष्ठ लगने लगेंगे।